काफी समय पहले की बात है जब अटैक ऑन टाइटन नाम का एक एनिमे सीरीज मैंने देखना शुरू किया था। उसका फर्स्ट सीजन, उसका सेकंड सीजन, उसका थर्ड सीजन देखा, फिर उसका फोर्थ सीजन आया। और ऐसा नहीं है कि फोर्थ सीजन में कुल 12-13 एपिसोड निकाल दिए और फोर्थ सीजन खत्म कर दिया। नहीं भाई साहब, अभी तो ड्रामा शुरू होता है। फोर्थ सीजन का फर्स्ट पार्ट आता है, फिर उसका सेकंड पार्ट आता है। बात यहां पर भी नहीं रुकती है, इसका थर्ड पार्ट निकालते हैं। और थर्ड पार्ट को ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में सारी रिलीज कर दें, यानी थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर दें। नहीं, थर्ड पार्ट के अंदर भी दो मूवी निकालेंगे। अभी 2023 के अंदर फर्स्ट, मतलब कि अभी हाल ही फिलहाल में 3 मार्च को इसकी फर्स्ट मूवी रिलीज हुई है। इसकी सेकंड मूवी दिसंबर के अंदर, यानी कि जब 2023 खत्म हो रहा होगा तब इसकी सेकंड मूवी रिलीज आएगी। मतलब समझ क्या रखा है यार मेकर्स ने, इसको अलग अलग पार्ट्स में क्यों बोल रहे हो? सीजन ही बोल दो ना, कितने सारे सीजन्स निकाल दिए वो अलग बात है, पार्ट्स नाम दिए जा रहे हैं। एक बात तो मुझे समझ नहीं आ रही इसके मेकर्स की, मतलब इतना तरसा क्यों रहे हैं यार, एक साथ मूवी को रिलीज कर दो ना यार। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे ये एनिमे सीरीज पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मेरे दिल के करीब है यार। इसको इतने बेसब्री से मैं इसको देख रहा था, इसकी फर्स्ट मूवी जब, मतलब कि इसकी 2023 में अटैक ऑन टाइटन के फोर्थ सीजन के पार्ट 3 की जो फर्स्ट मूवी है ये। एक तो इसका नाम इतना लंबा है यार, लेते वक्त भी डर लग रहा है। जब ये मूवी रिलीज होती है इसको उसी दिन मैंने देख लिया था। हाँ वो अलग बात है, इसका रिव्यू नहीं कर पाया बिकॉज टाइम नहीं है यार, ऑब्वियसली जॉब में बिजी हैं। उस जॉब के बाद अलग से वीडियो देखनी पड़ती है, फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ती है। यार इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 3 के फर्स्ट मूवी के बारे में। बाप रे, तकरीबन इस मूवी की जो लेंथ है वो 1 घंटे के आसपास है। और वाकई में जब इस मूवी को मैं देखने बैठा सब, कब 1 घंटा बीत गया यार ये पता ही नहीं चला। मतलब इतना जबरदस्त इंटरेस्ट इसके अंदर बना, फुल ऑन धमाकेदार ये मूवी रही है। देखो रंबलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब दुनिया को कुचला, वो रंबलिंग ही कह रहे हैं उसको, दुनिया को कुचला जा रहा है। अब एक जो सोच सबके सामने निकल कर आ रही है, हमारे सामने निकल कर आ रही है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है? क्या अकेला एरन ही इन सबका जिम्मेदार है कि वो इस हद तक जा पड़ा है और अपने लोगों को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया को खत्म करने को उतावला हो गया? इस चीज को मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एरन के ऊपर डाल दिया जाए या फिर उसको इस हद तक उकसाया गया? जब अब मतलब आप अगर पूरे सीजन देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के ये पार्ट 3 की ये फर्स्ट मूवी देखें, तब आपको पता चलेगा कि यार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जैसे उसकी सोच दिखाई जाती है, या तो वो अपने सारे लोगों को मार दे, या फिर वो मतलब कि जो दुनिया है जो उससे नफरत करी उस पूरी दुनिया को वो खत्म कर दे। मतलब कि जो दो जनजाति क्या जो जाति इसके अंदर दिखाई गई है, तो कम्युनिटी मार्ले और एल्डियन, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे लगते हैं, कैसे पावर का गेम चल रहा है, कैसे एक दूसरे से डरते हैं। मतलब एक तरीके से एक कम्युनिटी को तो आपने एक आइलैंड के ऊपर कैद करके रखा इतने सालों से, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ आपने अपने आप को ऐसे फ्रीडम रखी, आपके पास खाने की कमी नहीं रही, उन लोगों के पास खाने की कमी है, वो इतने डर डर के जिए, वो अपने लोगों को मरते हुए उन्होंने देखा। तो इन सबको आप देखें ना, तो कहीं ना कहीं एक एरन का पर्सपेक्टिव आपको सही भी लगता है। क्या है? अब मैं उसकी जो सोच है उसको डिकोड तो अभी नहीं कर सकता, जब ये मूवी सेकंड मूवी आ जाएगी तब वहां पर अच्छे से इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन हां, कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवी में इसकी सोच को, यानी एरन की सोच को डिकोड करने की कोशिश की गई है। देखो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में यह बात बोली थी कि यार एरन का कुछ ना कुछ तो प्लान है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों कम्युनिटीज को आपस में मिलाने की सोच रहा है कि भाई देखो बिना ये मारे काटे तो मिलेंगे है नहीं, तो एक्चुअल में इनको मिलाने के लिए अपने आप की ही कुर्बानी दे दें। हाँ बात करेंगे जब ये सेकंड मूवी आ जाएगी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो सबसे बुरी बात तो मुझे मेकर्स की यही लगती है कि यार एक तो इस जो सीरीज है अटैक ऑन टाइटन को, इसको लेकर आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि क्या स्टोरी होने वाली है, क्या इसमें एंडिंग होने वाली है, प्रेडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो काफी अच्छी बात है। और इसी चीज को लेकर गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तरसा के रख रखा है यार। तो देखो जब मूवी की शुरुआत होती है वाकई में बहुत जबरदस्त होती है, कुछ सीन तो ये कुछ क्या बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं पे तो आप सोचोगे यार नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसा ना हो, और वो चीज हो जाती है। वाकई में वो इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक होती है। और एक तरफ इमोशनल सीन इसके अंदर दिखाए जाते हैं, कमाल के होते हैं। अब पूरी ओवरऑल इस मूवी की अगर मैं बात करूं तो देखो यार एरन तो भैया निकल पड़ा है अपने मिशन के ऊपर, जो उसका मिशन है पूरी दुनिया को ख़त्म करने का। अब उसके दोस्त उसको रोकने आ रहे हैं, अब वो कैसे होगा, कैसे उसको रोकेंगे या समझाएंगे, मार देंगे, फलाना फलाना धमकाना, वो तो देखो पता चलेगा जब इसकी सेकंड मूवी आएगी। और ये कमबैक सेकंड मूवी यार वो 2023 के लास्ट में रिलीज करेंगे। जब आप ये मूवी देखना शुरू करेंगे तो इसके हाफ में जाके लगभग ये चैप्टर 2 लिखा आता है, वहाँ पे सीनर्स यानी पापी लिखे आते हैं,
वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे उसमें बताया जाता है कि हर कोई जो इसके अंदर करेक्टर, वो कोई दूध का धुला नहीं है, उसने कहीं ना कहीं पाप किए या फिर बहुत सारे लोगों को मारा है, किसी को भी अपने आप को मतलब अपने करीबियों को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने किसी निर्दोष को मारा ही है। जो इस तरीके की बातें होती वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ बोली गई, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको कार्टून के तरीके से देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें या फिर एक बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल इस सीरीज में। या फिर ओवरऑल इस मूवी की अगर मैं बात करूं तो एरन जैसे निकला है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उसके दोस्त उसके सामने आके खड़े हो रहे हैं, वो उसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट बनाती हैं। और वाकई में देखने वाली बात होगी इसकी एंडिंग कैसे होगी, मतलब कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है। अब तो देखो मुझे पता ही नहीं है कि क्या एंडिंग कर सकते हैं यार, ये कोई भी सस्पेंस कोई भी ट्विस्ट ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई में वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। और पर कम वक्त यार ये रिलीज कर दें जल्दी से, मूवी में आपका शुरू से लेकर आखिर तक इंटरेस्ट बना रहेगा, मतलब आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा कि यार ये मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही, बोर हो रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब जब इस मूवी को मैं देखने बैठा, जैसे मैंने कहा एक घंटा कब बीता पता ही नहीं चला, मैं बार बार टाइम देख रहा यार कहीं अभी खत्म ना हो जाए, ये अभी खत्म ना हो जाए। वाकई में इतना ज़बरदस्त इसके अंदर मैं कनेक्ट हुआ हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, इसकी स्टोरी बढ़िया लगी मुझे, एनिमेशन तो कमाल का ही है, जैसे जैसे सीन आ रहे थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, और लास्ट में जिस तरीके से अब चीज़ें सामने हो रही हैं जब ये मूवी एंडिंग होती है, वो वाकई में कमाल का होता है। देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 10 out of 10। आप लोगों ने ये मूवी देखी तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, मूवी कहें या वीडियो कहें, एक घंटे की आप जो है मर्जी जो बोलना है वो बोल सकते हो, मेरे लिए तो ये मूवी है एक घंटे की। क्या आप लोगों ने अगर देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसी लगी, अगर नहीं देखा तो इस मूवी को क्या आप शुरुआत से देखना शुरू करिए, अटैक ऑन टाइटन आपकी बेस्ट एनिमे सीरीज रहेगी, मेरी तो अब तक यही है। आने वाले टाइम में देखते हैं अगर इससे कोई अच्छी आती है तो तब की तब बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।